लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की इत्तला मौसूल है। एक दफा फिर अपने देखने वालों को अपडेट करते चलें, ब्रेकिंग न्यूज ताजा तरीन खबर है लाहौर से, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की इत्तला मौसूल हुई है। इस हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला क्या एयरपोर्ट पर पहुंचा है और एयरपोर्ट इंतजामिया क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह यह इत्तला मौसूल हुई, जो ही अपडेट्स हम तक पहुंचेंगी आप तक भी पहुंचाएंगे। फिल वक्त आपको बताते चलें ताजा तरीन खबर, लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की इत्तला मौसूल हुई है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला एयरपोर्ट की जानिब रवाना कर दिया गया है। एयरपोर्ट इंतजामिया क्या कार्रवाई कर रही है मुसाफिरों और अमले की हिफाजत के लिए, इस हवाले से भी जो ही अपडेट्स हम तक मौसूल होंगी आप तक पहुंचाएंगे। फिल वक्त लाहौर से ताजा तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की इत्तला मौसूल हुई है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की इत्तला मौसूल हुई है। इस वक्त बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला एयरपोर्ट की जानिब रवा दवा है और एयरपोर्ट इंतजामिया भी इस हवाले से हिफाजती इंतजाम और इकदाम उठा रही है और मुसाफिरों और अमले की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की इत्तला मौसूल हुई है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की इत्तला मौसूल हुई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला एयरपोर्ट की सर्च स्वीपिंग कर रहा है। एयरपोर्ट इंतजामिया इस वक्त किन कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है, अमले और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की इत्तला मौसूल हुई है और PIA की फ्लाइट PK305 से तमाम तर मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया है। PIA की फ्लाइट PK305 से तमाम तर मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया है। ख्वाजा नसीर हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। नसीर बताइएगा किस तरह ये इत्तला मौसूल हुई है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से, क्या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा? PK305 जो है लाहौर पे रेनबो पे टैक्सी कर रही थी, इस फ्लाइट को रोका गया और फ्लाइट को रोकने के बाद पैसेंजर्स की तलाशी का अमल शुरू कर दिया गया है। PIA के जिम्मेदार तरीन किराए के मुताबिक कि फ्लाइट के अंदर जो आला हुकाम है उन्हें किसी मुश्तबा मुसाफिर के ट्रैवल की इत्तला मिली थी, जिसके बाद PIA के हुकाम ने फौरी तौर पर कंट्रोल से रब्ता किया। कंट्रोल पर जहाज को टैक्सी के दौरान ही रोक दिया गया और इस तमाम तरह पैसेंजर्स को ऑफ लोड करने के बाद फिर पैसेंजर्स की एक मतलब फिर तमाम पर तलाशी की जा रही है। जबकि इसके अलावा जो इसका लॉबिंग एरिया है उसके अंदर जितना भी सामान पड़ा हुआ वहां सामान को भी दोबारा स्कैन किया जा रहा है। PIA 305 जो कि लाहौर एयरपोर्ट पर टैक्सी के लिए तैयार थी और टैक्सी शुरू करते ही लाहौर एयरपोर्ट पर जितना रुकाम को इस बात की इत्तला मिली कि जहाज के पैसेंजर्स में कोई ऐसा मुसाफिर शामिल है जिसके पास कोई मुश्तबा मवाद मौजूद है, जिसके फौरी बाद जहाज को रोका गया और जहाज को रोकने के बाद इस तमाम पैसेंजर्स को ऑफलोड करने के बाद जहाज की दोबारा स्कैनिंग की जा रही है और पैसेंजर्स की भी थॉरस स्कैनिंग हो रही है। जी अब्दुल्ला ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर, इस हवाले से अपडेट्स आपसे हासिल करते रहेंगे।